असलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो वीलॉग है ये हम जॉर्जिया से लाइव कर रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हसन, जो कि डिश एंड विश रेस्टोरेंट के ऊपर एज अ शेफ काम करते हैं। कब से ये यहाँ पर हैं, कितना टाइम उन्हें जॉर्जिया को दे चुके हैं, जॉर्जिया के हकाइक क्या हैं, जॉर्जिया में TRC कैसे लिया जाता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सैलरीज क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे महमूद हसन से। अस्सलामुअलैकुम भाई जान, कैसे हैं? सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम परदेश में किसी अपने भाई पाकिस्तानी से मिलते हैं, तो लोगों को बताइएगा कैमरा की तरफ देखते हुए कि जॉर्जिया कैसा है, यहाँ के हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं, मौसम कैसा है, खाना पीना, रहन सहन, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, बताइएगा प्लीज। जी इधर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 साल से इधर रह रहा हूँ, माशाल्लाह ये जॉर्जिया बहुत अच्छा है, रहने के लिए भी बहुत अच्छा है, उसके बाद इधर का खाना भी बहुत अच्छा है, उसके बाद इसका रहना भी बहुत अच्छा है और इसकी आबो हवा बहुत अच्छी है। इधर जो कारोबार है वो भी ठीक है, इस कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब कैमरा की तरफ देखते हुए बताएं कि अगर कोई पाकिस्तान से या इंडिया से या कोई UAE से, अमारात से या खलीजी मुल्क से अगर कोई जॉर्जिया आता है तो आप उसे क्या मशवरा देते हैं, उसे यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस देखो हर बंदे का अपना अपना एक शौक है, उसको अच्छा लगेगा वो बिजनेस करेगा। नहीं, आप क्या उसको मशवरा देते हैं कि बाकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको करना चाहिए बिजनेस या नहीं करना चाहिए, जो आपको मुनासिब लगता है, दिल की आवाज बताइए, क्योंकि आपने कहा ना आपको 7 साल हो गए यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोल रहा इधर सबसे बिजनेस के लिए ये मुल्क नहीं है, ओके, रहने के लिए घूमने के लिए ये अच्छा मुल्क है। बिजनेस तो 3 महीने 4 महीने जब टूरिस्ट आएगा तो बिजनेस होगा, नहीं तो बिजनेस। So viewers, आपने सुना कि भाई जन ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सीजनल बिजनेस है, यहाँ पे जब टूरिस्ट रहेगा तो बिजनेस रहेगा, रहने के लिहाज से ये जगह बहुत जबरदस्त है, आबो हवा, एटमोसफेयर, सराउंडिंग्स इसके बहुत अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर है, बट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे एज सच नहीं है। और सैलरी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जॉब्स वगैरह मिल जाती है लोगों को? जॉब मिल जाती है, तकरीबन सैलरी देती है, काम से डिपेंड होता है, वो 1500 लेता है, जो शेफ है वो 3000 भी लेता है, इधर 3000 लारी लेता है, 3000 लारी लेता है, जो कि अराउंड $1,000-1500 बनते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो क्या यहाँ पे TRC कैसे ली जा सकती है, उसकी क्या कोई तरीका बताना चाहिए? TRC जो होता है, जो स्टूडेंट है और उसको मिलेगी TRC, यहाँ को अपना बिजनेस करे उसको TRC मिलती है, तो जो शादी करके अभी TRC मिल जाती है। तो आपका क्या कहना है, आपने शादी कर ली है? नहीं, मैंने अभी शादी नहीं। अच्छा, आपने अभी शादी नहीं की है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग UAE रेजिडेंट हैं तो आपके लिए जॉर्जिया अवेलेबल है, अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो आपको प्री अरेंज वीजा लेना पड़ेगा, इंडियंस ई वीजा हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तानियों के लिए फिलवक्त ई वीजा नहीं है। जॉर्जिया रहने के लिहाज से, एटमॉस्फेयर के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत अच्छा, खाना पीना यहाँ का अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आपको रंगीनियाँ मिलेंगी हर तरफ, वाइन्स का ये शहर है, यहाँ पे वाइन बहुत ज्यादा पी जाती है, जो कि एक आपके लोग इनका ट्रेडिशन है, इनका कल्चर है। रात में हम आपको बाकी जगहों की सैर कराएंगे और बाकी जगहों का आपको दिखाएंगे। बहरहाल अभी का हमारा जो शॉर्ट सा व्लॉग था महमूद हसन भाई के साथ में, वो ये था कि आप जॉर्जिया में TRC कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सैलरीज क्या हैं। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पे एवरेज सैलरी अगर आप एक वाइट कॉलर जॉब में, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है ये भाईजान, तो ये शेफ है, तो ये 3000 लॉरी, जो कि अराउंड $1,200-1300 बनते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ, सबसे एडिशनल चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, इफ यू आर रेजिडेंट ऑफ जॉर्जिया तो यहाँ से आपका शनिगन में मूव करना इज वेरी इजी, क्योंकि इनका जो डिग्री है उसके तहत आप 119 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं बगैर वीजा के, जिसमें पूरा शनिगन आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये जॉर्जियन सिटीजन के लिए, जब आप रेजिडेंट होते हो तो आपके लिए वीजा हासिल करना आसान हो जाता है यहाँ से दूसरी कंट्रीज का, जिनमें आप नेदरलैंड्स का वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप विजिट वीजा पर भी आते हो तो यहाँ पर आप कुछ कंट्रीज को अवेल कर सकते हो कि आप प्री वीजा ले सकते हो एज ए विजिटर यहाँ से। और जो लोग यहाँ पे आके रिफ्यूजी लेना चाहते हैं, असाइलम करना चाहते हैं, आफ्टर 30 डेज आप यहाँ पे असाइलम सीक कर सकते हो, बट आपकी जब प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की बात आती है तो आपके जो केस है वो ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको रिफ्यूजी भी मिल जाए और साथ में ट्रैवलिंग UN के डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो पसंद आने की जरूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।